जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के पास हुआ धमाका, जिसमें 5 ही मिनट में 2 ब्लास्ट किए गए, जिसमें 2 जवान घायल हुए। जम्मू में धमाका, एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 5 मिनट के अंदर 2 ब्लास्ट, विस्फोट के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल हुए, एयरफोर्स के 2 जवान जख्मी, 5 मिनट के अंतराल पर 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा नीचे हुआ। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट करने के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने नरवाल इलाके से एक आतंकी को गिरफ्तार किया, उसके पास 5 किलो IED बरामद हुआ है। सूरत के डायमंड किंग महेश सवाणी आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, मनीष सिसोदिया ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी की नज़र अब गुजरात विधानसभा चुनाव पर है। यहां विधानसभा चुनाव को लेकर आपने पार्टी को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी की तैयारियों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि पार्टी बहुत जल्द अन्य राज्यों में भी अपना बड़ा दांव खेल सकती है। इस बात को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि आज शहर के बड़े हीरा कारोबारियों में से एक महेश सवाणी ने आप ज्वाइन कर ली है। महेश सवाणी को मनीष सिसोदिया ने औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने विनती करी कि तेओ ने खेस मेळावे अने आम आदमी पार्टी में स्वागत करे। माननीय मनीष जी, जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर ड्रोन अटैक के एक ही दिन बाद कालूचक मिलिट्री बेस पर दिखे गए 2 ड्रोन, आर्मी की फायरिंग के बाद दोनों ड्रोन हुए गायब। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के 2 दिन बाद अब जम्मू के ही कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन दिखाई दिए हैं। सेना ने उन्हें गिराने के लिए फायरिंग की पर वो अंधेरे में गायब हो गए। मिलिट्री ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। 2 दिन पहले शनिवार और रविवार दरमियान रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से 2 धमाके किए गए थे। इस हमले में एयरफोर्स स्टेशन की छत को नुकसान हुआ था और 2 जवान घायल भी हुए थे। ड्रोन के जरिए एयरबेस के भीतर 2 IED गिराए गए थे। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, यह अपनी तरह का पहला हमला था। दोनों धमाके शनिवार रात 1:30 से 2 बजे के बीच हुए। ब्लास्ट इंडियन एयरक्राफ्ट के करीब भी हुआ था। यह जगह इंटरनेशनल बॉर्डर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है।